पापड़ को हमने फ्राई कर लिया है, तो काफी अच्छा पापड़ हमारा बना हुआ है। आलू का आप सब पास से देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग होली के अवसर पे पापड़ आलू का बना सकते हैं, खा सकते हैं, परिवार को खिला सकते हैं। और पापड़ को हम तोड़कर आप सबको दिखा देते हैं, तो आप सब पास से देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है, इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो चले चलते हैं सब्जी के खेत में, वहाँ से हम लेते हैं कुछ सब्जियाँ। इधर हम पहुँच गए हैं सब्जी के खेत में, तो यहाँ से हम लेंगे आलू। तो आप सब देख सकते हैं आलू का जो गवा होता है पूरी तरह से सूख गया है, इसका डंठल भर बचा है। तो यहाँ से हम आलू को खोदते हैं फावड़े से और देखते हैं आलू कैसा पड़ा हुआ है। तो आप सब पास से देख लीजिए कितना सुंदर, कितना अच्छा आलू पड़ा हुआ है हमारे खेत में। तो इसी तरह जितना सतह उतना आलू हम खेत से ले लेंगे। जितना हो सकता है उतना आलू हमने ले लिया है, चल रहे हैं छत पे जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है। अब भगोने को हम चूल्हे पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमने बड़ा सा भगोना लिया हुआ है और भगोने में हम डाल देंगे पानी। तो पानी कम से कम इसमें हम 2 लीटर 3 लीटर डालेंगे आलू को उबालने के लिए। तो यहाँ पे हमने आलू को पहले से ही धो लिया है, मिट्टी पूरी तरह से साफ हो गया है। तो आलू को हम भगोने में डालेंगे। तो आलू को हम ढककर आलू को अच्छे से पका लेंगे। तो आप सब पास से देख सकते हैं कि आलू हमारा बहुत ही अच्छे से उबल चुका है। तो अब हम भगोने को नीचे उतार लेंगे। तो भगोने में जो पानी है उसे हम नीचे गिरा देंगे। तो अब हम आलू का छिलका उतारेंगे। तो आलू थोड़ा सा गर्म है तो बहुत ही आराम से उतारेंगे ताकि हाथ न जले। तो बहुत ही अच्छे से आलू हमारा हो गया, सब पास से देख सकते हैं। तो इसी तरह हमें सारा छिलका उतार लेना है। तो आइए दोस्तों हम आप सभी को बता दें, हम बनाएंगे कि आज हम बनाने वाले हैं आलू के पापड़। और आलू का पापड़ जो है हम 3 कलर में आप सबको बनाकर दिखाएंगे। और दोस्तों होली आने वाली है तो 3 कलर का पापड़ हम बनाएंगे। और पापड़ बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ आप सभी को दिखा देते हैं। आलू का पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे हमने 5 किलो आलू लिया हुआ है। आलू को हमने उबाल कर छिलका उतार लिया है। नमक है, सरसों का तेल है, काली मिर्च का हमने पाउडर बना लिया है और लाल मिर्च का हमने पाउडर बना लिया हुआ है। और एक पैकेट हमने हींग लिया हुआ है। यहाँ पे हमने जीरा लिया हुआ है और यहाँ पे हमें नारंगी फूड कलर लिया हुआ है और ग्रीन फूड कलर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 3 भगोना लिया हुआ है। तो 3 भगोने में हम आलू को हाथों से तोड़कर इस तरह से रख लेंगे। कुटी हुई मिर्च भी डाल देंगे हम उसी में। तो अब इसमें हम काली मिर्ची डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को हमें बराबर बराबर डालना है। तो नमक को हम पीस लेंगे और नमक हम इसलिए पीस रहे हैं ताकि जो हींग लिए हुए हैं ये भी अच्छे से पीस जाए और पापड़ हमारा बहुत ही अच्छे से बन पाए। हींग और नमक को हमने पीस लिया है तो इसे भी हम 3 हिस्सों में बांट कर डाल देंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन कलर ताकि पापड़ हमारा देखने में अच्छा लगे, इसलिए हम यहाँ पे कलर का यूज कर रहे हैं। आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे नारंगी फूड कलर। तो एक में हम कुछ नहीं डालेंगे, इसे हम सादा रखेंगे। तो चलिए हम कलर को अच्छे से मिक्स करते हैं। और यहाँ पे हमने आलू को हाथों से मिक्स कर रहे हैं, आप जो है मिक्सी जार में डालकर पीस सकते हैं। आलू जो है हल्का हल्का गुनगुना है तो बहुत ही अच्छे से जो है मैश हो रहा है। तो इसी तरह हम तीनों आलू को मैश करके रख लेंगे पापड़ बनाने के लिए। तो हाथों से हमने आलू को बहुत ही अच्छे से मैश कर दिया है। तो आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं और मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने स्टील का लोटा लिया हुआ है, तो लोटे से हम आलू को अच्छे से मैश कर देंगे ताकि जो इसमें गुठलियाँ हैं बिल्कुल न रहे। तो आप सब पास से देख सकते हैं कि लोटा से आलू जो है बहुत ही अच्छे से मैश हो रहा है और आलू हमारा हल्का सा गुनगुना है। तो इस तरीके से आप लोग पापड़ भरके बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम दबाते जाएंगे और लोटे को आगे घसकाते जाएंगे। तो आलू को हमने बहुत ही अच्छे से मैश कर दिया, आप सब देख सकते हैं ये तीनों कलर पापड़ हमारा बनने के लिए तैयार है। तो अब हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने चटाई के ऊपर जो है पॉलीथीन बिछाया हुआ, आप सब देख सकते हैं, ताकि पापड़ हमारा आसानी से छूट सके। तो अब हम हाथों में सरसों का तेल लगा लेंगे। तो पापड़ बनाने के लिए अब हम लोई बना लेंगे। तो लोई बनाकर हम इसे थाली में रख लेंगे। तो लोई आप अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद हो। और तेल को आपको जो है बराबर लगाते रहना है हाथों में। तो इसी तरह हमें सारा लोई बना लेना है और तीन हम पापड़ बनाकर आप सबको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पोलोथीन लिया हुआ है, पोलोथीन में हम सरसों का तेल लगा लेंगे ताकि पापड़ हमारा बहुत ही अच्छे से छूटे। तो पन्नी के ऊपर हम चकई रख देंगे और पन्नी को हम इस तरह से ऊपर से लगा देंगे। अब इसे हम थाली से दबा देंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि पापड़ हमारा बहुत ही अच्छे से बन रहा है। ऊपर वाले पन्नी को हम हटा देंगे। अब इसे हम पलट कर छुड़ाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह हम दूसरा पापड़ बनाएंगे। तो एक पापड़ हम हाथ से बनाकर आप सबको दिखाएंगे। तो पन्नी को हम उठा उठा कर इस तरह से अब हाथों से दबा दबा कर पापड़ को हम फैला लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग पापड़ बना सकते हैं और थाली से भी दबाकर बना सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है हाथ से और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों होली आने वाली है, तो होली के समय जो है हमारे घरों में जो है काफ़ी काम रहता है, तो इसलिए हम पापड़ जो है पहले से बनाकर रख ले रहे हैं। तो सारे पापड़ को बनाकर हमने तैयार कर लिया है, आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पापड़ हमारा बना हुआ है और धूप भी काफ़ी टाइट है। तो पापड़ को हमने बना लिया है, पापड़ को हम 5 घंटे कड़ी धूप में छोड़ देंगे ताकि हमारा आलू का पापड़ पूरी तरह से सूख जाए। 5 घंटे बीत गए हैं और हमने नहा लिया है। तो आप सब देख सकते हैं पापड़ हमारा पूरी तरह से सूख गया है, आप सब पास से देख सकते हैं। तो अब हम पापड़ को एक बर्तन में उठा लेंगे। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे पर और कढ़ाई में डाल देंगे रिफाइन ऑयल। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम पापड़ को तेल में डालकर फ्राई करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पापड़ हमारा बना हुआ है आलू का। तो ज़्यादा देर तक हम तेल में नहीं रखेंगे। तो आप सब देख सकते हैं पास से कितना अच्छा पापड़ हमारा तेल में फ्राई हो रहा है, या खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होगा। इतना आवश्यकता था उतना पापड़ हमने फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा हमारा आलू का पापड़ बना हुआ है, आप सब पास से देख लीजिए।
पापड़ को हमने फ्राई कर लिया है, तो काफी अच्छा पापड़ हमारा बना हुआ है। आलू का आप सब पास से देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग होली के अवसर पे पापड़ आलू का बना सकते हैं, खा सकते हैं, परिवार को खिला सकते हैं। और पापड़ को हम तोड़कर आप सबको दिखा देते हैं, तो आप सब पास से देख लीजिए। तो थोड़ा सा पापड़ हमने आप सबको छान कर दिखा दिया है। और आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।